सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल बैंक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट प्रोडक्ट्स और उसके रिव्यूज़ के बारे में जानने के लिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ अंकित जनावर। मैं आपको मेरे चैनल टेक्निकल बैंक में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको लेनोवो के 8 का अनबॉक्सिंग और फुल रिव्यू करने वाला हूँ। वीडियो के एंड तक देखना ना भूलें। और दोस्तों, मैं बता देता हूँ कि ये जो स्मार्टफोन है मुझे 3G शॉप ने स्पॉन्सर किया है, जिसके ऑनर बिश्नु भी है। तो ये मेरे टाउन के एक दुकान है, बहुत ही अच्छा चलता है। तो उनका दुकान का एड्रेस मेरे डिस्क्रिप्शन पे है, तो वहाँ पर आप उनका एड्रेस देखकर उनका दुकान तक पहुँच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे लेनोवो के 8 का स्पेसिफिकेशन और प्राइस क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, ये आपका लेनोवो के 8 नोट, देखिए ये उसका बॉक्स। तो बॉक्स का पीछे दोस्तों इसका बहुत सारे फीचर्स लिखा हुआ, मैं दिखा देता हूँ आपको। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है फुल HD स्क्रीन, और यहाँ पे दोस्तों आपको 13 MP प्लस 5 MP का डुअल रियर कैमरा दिया जा रहा है। और ये है आपका डेकाकोर प्रोसेसर। तो देखिए दोस्तों, इसका प्रोसेसर बहुत ही अच्छा होने वाला, क्योंकि आपको ऑक्टाकोर से 2 गुना ज़्यादा प्रोसेसर दिया जा रहा है, जो कि है डेकाकोर प्रोसेसर। और ये है दोस्तों ऑडियो सिस्टम, ये इसका डॉल्बी का एटमॉस ऑडियो सिस्टम, तो काफ़ी अच्छा ऑडियो सिस्टम है दोस्तों। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, लिखा है 13 MP फ्रंट कैमरा विथ सेल्फी फ्लैश लाइट। और ये दोस्तों इसका लार्ज 4000 mAh बैटरी, और इसमें दोस्तों फास्ट चार्ज सपोर्ट है। देखिए यहाँ पे लिखा है 15W रैपिड चार्ज। और ये लिखा है दोस्तों कन्वीनियंट कंट्रोल्स विथ म्यूजिक की। तो ये स्मार्टफोन में दोस्तों आपको एक म्यूजिक की भी दिया गया है, तो आप अपना हिसाब से उसे सेट कर सकते हैं। और ये है दोस्तों इसका स्क्रैच रेजिस्टेंट कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास। और ये दोस्तों आपका वाटर रिपेलेंट डिज़ाइन है, मतलब ये नहीं कि दोस्तों आप पानी में इसको डुबो देंगे, ये बस फ्लैश रेसिस्टेंट है, मतलब थोड़ा बहुत पानी होगा तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला। तो चलिए मैं इसका वेरिएंट और प्राइस दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये जो वेरिएंट है हमारा 3GB रैम और 32GB वाला वेरिएंट है। इसका और एक वेरिएंट भी आता है दोस्तों 4GB रैम और 64GB वाला वेरिएंट। तो इसका दोस्तों जो प्राइस है फिलहाल अभी के लिए, ये मार्केट में 10,000 में आ रही है, और अगर ऑनलाइन से लेंगे तो आपको 9500 देने पड़ेंगे। तो बस 500 का डिफरेंस है दोस्तों। और अगर 4G वाला वेरिएंट लेना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से शायद मार्केट में आपको 12,000 देना पड़ेगा, और ऑनलाइन में 11,500 है दोस्तों। तो चलिए हम बॉक्स को ओपन करते हैं, देखते हैं बॉक्स कंटेंट्स क्या है। तो देखिए दोस्तों, ये आपका लेनोवो के 8 नोट। तो फिलहाल हम इसे साइड में रखते हैं और देखते हैं इसका बॉक्स एक्सेसरीज। दोस्तों, यहाँ पे आपको लेनोवो की तरफ से एक बॉक्स मिल रहा है, जिसमें इसका सिम इजेक्टिंग टूल लगा हुआ है। और यहाँ अंदर में दोस्तों आपको क्विक स्टार्ट गाइड, और ये इसका वारंटी कार्ड। और ये दोस्तों आपको अच्छा बात है, इसमें आपको बैक कवर दिया जा रहा है, प्लास्टिक का है दोस्तों। तो चले बाकी सारा एक्सेसरीज देखते हैं। ये है दोस्तों इसका रैपिड चार्जर, तो मैं आपको इसका आउटपुट दिखा देता हूँ। यहाँ पर लिखा होगा दोस्तों, तो दोस्तों इसका जो आउटपुट है देखिए 3 एम्पियर लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए इसका 3 एम्पियर लिखा है, तो बाकी बहुत ही फास्ट चार्जर होने वाला है। और यहाँ पर दोस्तों आपको USB केबल भी दिया जा रहा है। तो मैंने बताया था कि आजकल का स्मार्टफोन में आपको ईयरफोन्स नहीं दिया जा रहा है, तो इसमें भी आपको ईयरफोन्स नहीं मिलता। तो चलिए हम अपना फ़ोन को देखते हैं। तो पहले हम ये सील उखाड़ लेते हैं। तो दोस्तों, ये आपका लेनोवो का 8 नोट, देखिए ये जो दोस्तों इसका बॉडी है ये मेटल से बना है, और यहाँ पे दोस्तों आपको प्लास्टिक दिया जा रहा है, क्योंकि आपको जब नेटवर्क में प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। और ये दोस्तों आपका 13 MP फ्रंट कैमरा, और ये आपका LED फ्लैश, और ये आपका 3.5 mm जैक। और यहाँ साइड पे दोस्तों आपको यहाँ पे पावर बटन दिया जा रहा है, और ये वॉल्यूम रॉकर। और यहाँ नीचे में दोस्तों ये जो है ना दोस्तों आपका स्पीकर है, ये कोई स्पीकर नहीं, ये बस शो के लिए है। और ये दोस्तों आपका USB पोर्ट। और यहाँ पे दोस्तों आपको देखिए आपका 2 ट्रे दिख रहा होगा अभी, मतलब यहाँ पे दोस्तों आप मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, और ये 2 सिम। और ये दोस्तों आपका म्यूज़िक की, बहुत ही अच्छा फीचर है।
और यहाँ पीछे में दोस्तों आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, ये आपका 13 MP कैमरा और 5 MP कैमरा। और यहाँ पे दोस्तों आपका एक्टिव नॉइज कैंसलेशन माइक और ये आपका डुअल LED फ्लैश जो कि डुअल टोन फ्लैश है दोस्तों। और यहाँ पे लेनोवो का ब्रांडिंग और बहुत सारे ब्रांडिंग लगे हुए हैं मेड इन इंडिया और ये मोटोरोला मोबिलिटी। तो खैर छोड़िए, मैं आपको फ़ोन का डिटेल्स बता देता हूँ। तो दोस्तों इसका जो डायमेंशन है ये है आपका 154.5 mm का हाइट और 75.9 mm का विड्थ और 8.5 mm का थिकनेस। तो देखिए स्लिम है दोस्तों। और इसका जो वेट है दोस्तों थोड़ा हैवी है क्योंकि ये मेटल से बना है। तो इसका वेट है दोस्तों 180 ग्राम्स और ये स्प्लैश रेसिस्टेंट है, डुअल सिम सपोर्ट करता है। और इसका डिस्प्ले के बारे में जान लेते हैं। तो इसमें आपको IPS LCD फुल HD डिस्प्ले दिया जा रहा है जो कि 5.5 inches का स्क्रीन है। और इसका रेजोल्यूशन दोस्तों 1920 यानी कि 1920 पिक्सल्स दिया जा रहा है जो कि 16:9 रेशियो वाला डिस्प्ले है। और इसका जो पिक्सल डेंसिटी है दोस्तों वो है 401 PPI। और इसमें दोस्तों प्रोटेक्शन दिया जा रहा है गोरिल्ला ग्लास का जो कि गोरिल्ला ग्लास वर्सन 3 है। और इसमें आपको एंड्रॉयड 7.1 यानी कि नोगट दिया जा रहा है जो कि आप अपडेट करके ओरियो कर सकते हैं। और इसका जो दोस्तों चिपसेट है वो है मीडियाटेक हेलियो X23 जो कि बहुत ही अच्छा चिपसेट है दोस्तों, बहुत ही फास्ट काम करता है। और इसका जो प्रोसेसर है वो सबसे ज़्यादा है, ये डेकाकोर 2.3Z। सॉरी मैसेज आ गया दोस्तों। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ इसका जो प्रोसेसर है दोस्तों वो है डेकाकोर जिसका स्पीड 2.3Z है। और इसका जो ग्राफिक्स है दोस्तों वो है MALI T880MP4। तो गेमिंग में दोस्तों आप आराम से हैवी गेम खेल सकते हैं, इसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देने वाला है, बहुत ही अच्छा प्रोसेसर लगा है। तो इसका जो दोस्तों अभी स्टोरेज का बारे में जान लेते हैं। तो इस ये जो वेरिएंट है दोस्तों ये 32GB वाला वेरिएंट है। तो आप उसे एक्सपेंड करके 256GB तक कर सकते हैं। और इसका और एक वेरिएंट है दोस्तों 64GB वाला जो कि 4GB के रैम के साथ आता है। तो उसका भी दोस्तों आप 256GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। और कैमरा में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि यह 13 MP कैमरा है जिसका अपर्चर F1.7 है। और ये है आपका 5 MP कैमरा, इसका दोस्तों F1.5 है। और ये डेप्थ सेंसर है दोस्तों यानी कि आपका पीछे वाला इमेज ब्लर करने का काम आएगा। और ये आपका डुअल टोन LED फ्लैश। और इसमें दोस्तों आपको जियो टैगिंग, टच फोकस, SDI, पैनोरामा बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, मैं फ़ोन ओपन करके आपको दिखाऊंगा। और ये जो कैमरा है दोस्तों आपका फुल HD में वीडियो रिकॉर्ड करेगा। और इसका फ्रंट कैमरा दोस्तों ये 13 MP जिसका अपर्चर 2.0 है। और ये आपका LED फ्लैश। और इसमें दोस्तों साउंड में दोस्तों आपको तो मैंने बताया डॉल्बी एटमॉस साउंड मिलता है जो कि बहुत ही अच्छा साउंड सेंसर है। और इसमें दोस्तों आपको एक्टिव नॉइज कैंसलेशन माइक भी मिलता है। और इसमें आपको 4.2% का ब्लूटूथ दिया जा रहा है। और साथ में दोस्तों इसमें आपका फिंगरप्रिंट, एक्सेलेरोमीटर, गायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी कंपास जैसे सेंसर मिल जाते हैं। और मैंने बताया था कि इसका टर्बो चार्जर है तो ये फास्ट चार्जिंग ऑब्वियसली करेगा। और इसका बैटरी जो है दोस्तों नॉन रिमूवेबल बैटरी, आप इसे निकाल नहीं सकते। ये आपका लिथियम आयन बैटरी है 4000mAh का जो आपको 3G पे 378 hours का बैकअप देगा और 25 hours का टॉक टाइम देगा। और कलर्स में दोस्तों ये वेनम ब्लैक, इसका और एक कलर है फाइन गोल्ड। तो ये थी हमारे इस फ़ोन के बारे में डिटेल्स। तो चलिए अभी फ़ोन को ऑन करके देखते हैं इसका कैमरा और इसका साउंड कैसा होने वाला है। तो यहाँ पे सिंपली प्रेस करके रख दीजिए पावर बटन तो ये ऑन हो जाएगा। देखिए ऑन हो रहा है, तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा दोस्तों। डिस्प्ले दोस्तों मुझे बहुत ही पसंद आ रहा है इसका, काफ़ी विविड और क्लियर है। तो ये हमारा खुल गया, देखिए तो ये हमारा गया। चलिए लेट्स गो। तो सेटअप एज न्यू। तो दोस्तों यहाँ पे तो आपको दिखा रहा कॉपी योर डाटा, ये तभी काम आएगा अगर आपका पुराना डिवाइस से कोई डाटा यहाँ पे लाना है और आप वो स्मार्टफोन को यहाँ पर कुछ लाना चाहते हैं तो ये वाला ऑप्शन में मार दीजिएगा। फिलहाल
यहाँ पे मैं सेटअप आज न्यू कर देता हूँ। तो फिंगरप्रिंट सेंसर भी यहाँ पे ऐड करने को दिखा रहा है, तो मैं बाद में करूँगा। तो देखिए हमारा फोन सेट हो चुका है। तो चलिए अबाउट फोन पर जाते हैं सेटिंग्स में। दोस्तों इसका जो फीलिंग है स्टॉक एंड्रॉयड वाला है, तो ये अपडेट हो जाएगा दोस्तों आपका, मैं बता देता हूँ। सेटिंग्स खोल के दोस्तों अबाउट फोन पर जाइए और आप नेटवर्क इनेबल करके सिस्टम अपडेट पर क्लिक कीजिए, तो आपका जो अपडेट आएगा आप उसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों इसका बाकी सारे डिटेल्स लिखा है, देखिए ये एंड्रॉयड नोगेट 7.1.1 लिखा हुआ है। ये आपका सिक्योरिटी पैच लेवल जुलाई 5 2017 का है। यहाँ पर आपका बिल्ड नंबर और कर्नल वर्जन बहुत सारे डिटेल्स लिखा हुआ है। यहाँ पर दोस्तों आप अपना डेट एंड टाइम सेट कर सकते हैं, फिलहाल ऑटोमेटिक मोड पर है। और यहाँ ये दोस्तों आपका क्लाउड प्रिंट, तो प्रिंटर से कनेक्ट करके प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपका नेटवर्क सेटिंग्स है, फिलहाल कोई सीम नहीं है इसमें। और ये दोस्तों इसका डिस्प्ले सेटिंग्स, तो आप इसमें ऑटो मोड भी इनेबल कर सकते हैं या मैन्युअली एडजस्ट कर सकते हैं। और ये दोस्तों इसका मोड है, कलर मोड, आपका स्टैंडर्ड मोड है, वाइब्रेंट मोड है। यहाँ से आप अपना वॉलपेपर भी सेट कर सकते हैं। और ये आपका टाइम आउट, और दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है वीआर ग्लास सपोर्ट करता है, देखिए तो लिखा होगा, तो वीआर जब होगा तभी काम आएगा। तो ये जो दोस्तों है इसका नोटिफिकेशन लाइट का शायद होगा, पर फिलहाल कोई सिम नहीं है, मैसेज आएगा तो ही जाके ब्लिंक करेगा। देखिए यहाँ पर लिख रहा है कि आप कौन कौन सा इनेबल कर सकते हैं जिसमें लाइट हमारा फ्लैश हो। ये दोस्तों इसका नोटिफिकेशन सेटिंग्स, तो आप कोई भी ऐप्स का नोटिफिकेशन ब्लॉक या अलाउ कर सकते हैं। ये दोस्तों इसका साउंड सेटिंग्स, और यहाँ से आप अपना रिंगटोन भी सेट कर सकते हैं। तो चलिए एक साउंड टेस्ट भी हो जाए कि डॉल्बी एटमॉस के साथ दिखता है। तो ये इसका स्पीकर दोस्तों, तो काफ़ी अच्छा साउंड है दोस्तों, मुझे तो पसंद आया। दोस्तों डॉल्बी एटमॉस का ये जो फीचर है, देखिए यहाँ ऊपर में स्वाइप करने के लिए इनेबल या डिजेबल करने के लिए दिखा रहा है। दोस्तों डॉल्बी एटमॉस में होता क्या है, इसका जो बेस और जो भी आप बाकी सारा जो होता है हमारा नोट, वो इंक्रीज हो जाता है, तो साउंड क्वालिटी ज़्यादा अच्छा से आता है। और ये दोस्तों इसका नोटिफिकेशन रिंगटोन, और यहाँ अदर साउंड पर दोस्तों आपको यहाँ पर डायल पैड टोन, स्क्रीन लॉक साउंड और वायरलेस चार्जिंग साउंड, और ये आपका टच साउंड और वाइब्रेट ऑन टैप जैसे साउंड्स को इनेबल करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया जा रहा है। ये दोस्तों आपका म्यूजिक की सेट कर सकते हैं। तो देखिए फिलहाल दोस्तों ये म्यूजिक प्लेयर पे सेट है, तो आप यहाँ से स्टार्ट फ्लैश लाइट, स्टार्ट कैमरा, स्क्रीनशॉट जैसे फंक्शन पे इनेबल कर सकते हैं। तो देखिए ये आपका म्यूजिक की, तो यहाँ पे स्टार्ट फ्लैश लाइट में मैं सेट कर देता हूँ, तो मैं इसको प्रेस करके देखता हूँ। हाँ देखिए दोस्तों ऑन हो रहा है। दोस्तों इसको आपको प्रेस करके रखना पड़ेगा, वन टैप में नहीं होने वाला है। तो फिलहाल मैं वापस सेट कर देता हूँ इसको। तो ये दोस्तों आपका स्टोरेज का इन्फॉर्मेशन, देखिए 10 GB यूज्ड है और बाकी आपका 20 GB खाली है। और ये आपका मेमोरी इन्फॉर्मेशन, आपका 1.3 GB खाली है अभी। ये आपका सिक्योरिटी सिस्टम, तो चलिए फिंगरप्रिंट टेस्ट करते हैं। ये हमारा पैटर्न सेट कर देते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों आप अपना फिंगरप्रिंट को टैप कीजिए, देखिए रीड कर रहा है, हमारा हो चुका है। तो चलिए इसका स्पीड टेस्ट करते हैं। तो देखिए यह अभी ऑफ है, तो मैं टैप किया, सॉरी पहला बार है तो आपको पैटर्न देना पड़ेगा। अभी सेकेंड टाइम में दोस्तों आपका होगा, देखिए ऑफ है, देखिए खुल गया।
देखिए खुल रहा है दोस्तों, स्पीड है पर थोड़ा सा स्लो है दोस्तों, पर स्पीड दोस्तों काफ़ी अच्छा है, मुझे पसंद आया। देखिए दोस्तों यहाँ पे आप अपना डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर को ऑन या ऑफ कर सकते हैं, और ये दोस्तों जो ऑप्शन है ऑनलाइन सोर्सेस, तो ये आपका तभी काम आएगा अगर आप कोई मतलब प्ले स्टोर से या कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं बाहर से, तो उसको इनेबल करके इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो चलिए अभी इसका कैमरा देख लेते हैं, इसका पिक्चर्स कैसा आने वाला है। तो ये आपका सेट करने का दिखा रहा है शटर बटन या टैप एनीवेयर, तो फिलहाल शटर बटन पे है। तो दोस्तों देखिए इसका बैक कैमरा, तो बहुत ही अच्छा क्लियर आ रहा है दोस्तों, पिक्सल्स काफ़ी इसका अच्छा आ रहा है, जो डिटेलिंग है वो भी बहुत ही अच्छा है दोस्तों। देखिए इसको जूम कर देता हूँ, देखिए जूम करने पर भी काफ़ी अच्छा डिटेल्स आ रहा है। तो एक पिक ले लेते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि इसका डिटेलिंग कैसा है। तो मैंने पिक ले लिया है, तो चलिए पिक को देखते हैं। देखिए दोस्तों काफ़ी अच्छा पिक आया है, बहुत ही क्लियर और विविड है। देखिए जूम करने पर भी हल्का सा नॉइज है दोस्तों, पर देख रहे हैं आप पढ़ भी पा रहे होंगे इसे आराम से। मेरे ख्याल से दोस्तों अपडेट करने पर इसका कैमरा भी शायद इंप्रूव हो सकता है। और यहाँ पे दोस्तों आपका HDR मोड इनेबल या ऑफ करने के लिए फिलहाल ऑटो मोड पे है। ये आपका फ्लैश लाइट और ये आपका टाइम आउट, ये दोस्तों मोड है। यहाँ पे आपका डेप्थ इनेबल यानी कि पीछे वाला ब्लर करने के लिए हेल्प करेगा, तो चलिए देखते हैं उसे भी। तो यहाँ पे बोल रहा है दोस्तों 20 विद इन 2 meters, तो आपको इतना दूरी पे रखना है। तो देखिए पीछे वाला ये जो एरिया है ब्लर हो जा रहा है, देखिए ब्लर हो रहा है दोस्तों। और यहाँ पे आपका अपर्चर सेट करने के लिए भी दिखा रहा है दोस्तों, देखिए नीचे। तो चलिए नॉर्मल मोड पे चलते हैं। तो अच्छा फीचर है दोस्तों, डुअल कैमरा का फ़ायदा यही है कि आप DSLR वाला फ़ोटो भी ले सकते हैं। और ये आपका कैमरा सेटिंग्स, तो आप यहाँ पे पिक्सल सेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे फुल HD में रिकॉर्ड करने के लिए ऑप्शन भी दिया रहा है, तो आप HD और VGA में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। चलिए फ्रंट कैमरा भी देखते हैं। तो देखिए दोस्तों फ्रंट कैमरा, मैं पिक्चर क्लिक करके दिखाता हूँ, बहुत ही फास्ट कैप्चर कर रहा है दोस्तों। तो ये इसका फ्रंट कैमरा का पिक, देखिए हल्का सा नॉइज है दोस्तों। मेरे ख्याल से इसका रियर कैमरा मुझे पसंद आया, क्योंकि इसका हल्का हल्का नॉइज है, पर डिटेलिंग दोस्तों अच्छा है इसका कैमरा का। तो मैंने और एक पिक भी लिया है, वो भी दिखा देता हूँ दोस्तों। ये थोड़ा ब्लर हो जा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है, शायद अपडेट करने पर यह ठीक हो जाएगा। यहाँ पर भी दोस्तों आपको HDR मोड मिलता है, फ्लैश ऑन या ऑफ करने के लिए, ये देखिए आपका टॉर्च मिला है, तो ये आपका कंटिन्यूसली फ्लैश होगा, तो इसे ऑन करने पर और जब पिक लेंगे तभी फ्लैश होगा, देखिए। और ये दोस्तों इसका ब्यूटी मोड, ये आपका मैनुअल और ऑटो मोड में, ऑटो मोड में दोस्तों सेट कर देते हैं, तो देखिए थोड़ा ब्राइट हो जा रहा है। और ये आपका टाइम आउट सेटिंग्स, और यहाँ पर दोस्तों आपका शटर साउंड, ये बाकी सारे, ये दोस्तों जो सेल्फी फ़ोटो मिरर है, ये अगर आप इनेबल करेंगे तो आपका मिरर इफेक्ट नहीं होगा। तो खैर चलिए, तो ये इसका कुछ ऐप्स है, देखिए ये इसका ऐप ड्रॉअर दोस्तों, ये देखिए इसका डॉल्बी एटमॉस सेटिंग्स, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसमें मोड्स मिलेंगे आपको, गेम, वॉइस, मूवी, डायनामिक, और यहाँ से आप अपना मैनुअल एडजस्ट कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको स्प्लिट स्क्रीन भी मिलता है, तो आप एक साथ 2 या 3 ऐप यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए मैं बता देता हूँ, ये आपका कॉन्टैक्ट्स, आपको करना क्या है, ये जो आपका सेंसर है तो इससे आप दबाइए और इसको ऐसे प्रेस करके यहाँ पे ऊपर में ले जाइए। तो देखिए एक हमारा सेट हो चुका है,
और दूसरा हम मैसेजेस पर जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, दो स्क्रीन आ गया, तो आप यहाँ पे आराम से दो स्क्रीन में से कोई भी एक स्क्रीन में काम कर सकते हैं। फिलहाल क्लियर कर देते हैं। तो ये ऐसे डिजेबल होता है। ये दोस्त आपका डायल पैड, ब्राउज़र, और यहाँ पे आपका मैंने बताया था, इसमें दोस्तों आपको म्यूज़िक प्ले पे गूगल प्ले म्यूज़िक मिलता है। यहाँ पे आपको नोटबुक मिलता है, वर्ड भी मिलता है जो कि एमएस वर्ड है। और दोस्तों और कुछ नहीं है इसमें, बस यही था। इसमें आपको फेस अनलॉक नहीं दिया जा रहा है। और यहाँ ऊपर में आपका नोटिफिकेशन बार, जिसमें बहुत सारे फंक्शंस है, तो उसे आप इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारे लेनोवो K8 का बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई, तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले, और साथ में मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और दोस्तों मैं बता दूँ कि ये जो स्मार्टफोन ने मुझे 3G से अपना स्पॉन्सर किया था, तो उनका दुकान का एड्रेस मेरे डिस्क्रिप्शन पे है, तो वहाँ से देखकर आप उनका दुकान तक पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।